रिसर्चेस और डिस्कवरीज से ये पता लगा कि सन से आने वाली डेंजरस हाई एनर्जी पार्टिकल्स के सोर्स क्या हैं। सन हाई एनर्जी पार्टिकल्स स्पेस में और सोलर सिस्टम में छोड़ता रहता है, और ये पार्टिकल्स ओरिजिनेट होते हैं सन के प्लाज्मा से, जो ट्रैप्ड होते हैं सन की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स से। जब ये फील्ड्स वीकन होते हैं तब सन पर कई सारे सोलर इवेंट्स होते हैं, जो कि हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर विंड पार्टिकल्स, मैसिव सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शंस यानी CMEs। और कई बार सन हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो मोस्टली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स और कुछ हैवियर आयन से बने होते हैं उन्हें भी इजेक्ट करता है। इन पार्टिकल्स को SEPs यानी सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स कहा जाता है। यहाँ पर SEPs के ओरिजिन्स और डायनेमिक्स समझना साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इनका मेजर इफेक्ट होता है स्पेस मिशंस और बिटिंग सैटेलाइट्स और यहाँ तक कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर भी। लेकिन अभी तक हम एग्जैक्टली ये समझ नहीं पाए थे कि ये पार्टिकल्स आखिर ओरिजिनेट कैसे होते हैं। रीसेंट ऑब्जर्वेशंस और रिसर्चेस से ये पता लगा कि ये पार्टिकल्स भी ओरिजिनेट होते हैं सन के प्लाज्मा से, जो सन के लोअर एटमॉस्फेयर में हेल्ड रहता है सन की मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स जब रिलीज होते हैं तब ये स्पेस में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। रिसर्च से ये पता लगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लूप्स के ब्रेक होने से ही ये पार्टिकल्स एमिट होते हैं, और कई बार इनके साथ सोलर फ्लेयर और CME यानी कोरोनल मास इजेक्शंस भी होते हैं। फ्यूचर में ESA का सोलर ऑर्बिटर और NASA का पार्कर सोलर प्रोब जो सन के करीब जा रहे हैं सन के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे आने वाले टाइम में।